छेड़खानी करने पर राधिका आप्टे ने जड़ा था इस एक्टर के मुंह पर चांटा। इन तीन ने भी ऐसे लिया था बदला। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे का आज यानी 7 सितंबर को जन्मदिन है। उनका जन्म साल 1985 को देश के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के वेलोर में हुआ। उनके जन्मदिन के मौके पर बात करेंगे उनसे जुड़ी इस शर्मनाक घटना की। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस इस कास्टिंग काउच ड्रेस को लेकर ट्रोल होना किसी एक्टर संग अफेयर की चर्चा यहां तक कि छेड़खानी तक का दंश झेलती रही हैं। गौरतलब है कि अभिनेत्रियों के साथ हो रही छेड़खानी की खबर अक्सर सामने आती रहती है। ऐसे में कुछ एक्ट्रेस होती हैं जो खुद के साथ हो रही बदतमीजी को सहन कर जाती हैं, तो कुछ ऐसी भी रही हैं जिन्होंने इन छेड़खानियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो आइए जानते हैं ऐसी इन 4 एक्ट्रेस के बारे में। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे फिल्म एक्ट्रेस जया पर्दा की। बता दें कि फिल्म में एक सीन के दौरान एक्टर दलीप ताहिल बेकाबू हो गए थे और उन्होंने जया को कसकर पकड़ लिया था। ऐसे में खुद को दलीप के चंगुल से छुड़ाने के चलते जया ने उन्हें जोरदार चांटा जड़ दिया। इतना ही नहीं, जया ने चांटा मारने के बाद दलीप से कहा था कि यह रियल नहीं रियल लाइफ है। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के बारे में तो सभी यही जानते होंगे, लेकिन फिल्म में एक आइटम सॉन्ग के दौरान एक ट्रेस स्कारलेट विल्सन के साथ हुई बदतमीजी के बारे में आपको नहीं पता होगा। दरअसल गाने के दौरान एक शख्स लगातार गलत हरकत कर रहा था, लेकिन स्कारलेट ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसकी हद पार होने लगी तो स्कारलेट ने उसे जवाब देना ही मुनासिब समझा। एक ट्रेस गीत का त्यागी को फिल्म 1/2 से जाना जाता है। बता दें कि एक ट्रेस गीत का भी छेड़छाड़ का शिकार हो चुकी है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान एक जाने माने डायरेक्टर सुभाष कपूर ने उन्हें जबरदस्ती छूने की कोशिश की थी, लेकिन गीतिका ने देर ना करते हुए उस डायरेक्टर को जोरदार चांटा जड़ दिया। लेकिन बाद में गीतिका ने इस बात के लिए माफी भी मांग ली थी। आखिर में बात करेंगे बॉलीवुड में अपने बेबाक जवाब और बोल्ड सीन से पहचान रखने वाली और वेब सीरीज की सुपरहिट एक्ट्रेस राधिका आप्टे की, जिन्होंने भी ऐसी ही एक हरकत का सामना किया था। दरअसल साउथ की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर गलत इरादे से उनके पैरों को बार बार छू रहा था। इस बात को भांप कर राधिका ने उस एक्टर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा।